एस्टेट में निवेश करो और लाभ कमाओ, ऐसी सोच के साथ लाखों लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, किंतु यहाँ हर कोई लाभ नहीं कमा पाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाभ की जगह नुकसान कर बैठते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार हम ऐसी प्रॉपर्टी के लालच में फंस जाते हैं जो कम दाम में मिल रही होती है। कई बार बिल्डर्स के द्वारा रिटर्न की गारंटी के चक्कर में फंस जाते हैं। एक निवेशक के लिए सही निवेश वही होगा जिस प्रोजेक्ट को चलने के वास्तविक कारण धरातल पर मौजूद हों। यह सभी जानते हैं कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बजाय कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है, किंतु यह कम लोग जानते हैं कि ज़्यादा रिटर्न वही प्रोजेक्ट दे सकता है जिसकी लोकेशन अच्छी हो और उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बिल्डर की प्लानिंग भी अच्छी हो। साथ में यह भी जरूरी है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो 30-40 लाख के छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें और ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करें जहां आपकी मेहनत की कमाई के डूबने का रिस्क भी ना हो। आज हम ग्रेटर नोएडा के ऐसे ही एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिसमें पैसा डूबने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है और अच्छे रिटर्न की संभावना भी खूब है। दोस्तों, आज की रियल एस्टेट मार्केट में 30-40 लाख रुपए के निवेश के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट देखते हैं तो या तो प्रोजेक्ट बहुत शुरुआती दौर में होता है या तो उसकी लोकेशन अच्छी नहीं होती। ऐसे प्रोजेक्ट जो शुरुआती दौर में होते हैं उनमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है और जिनकी लोकेशन अच्छी नहीं होती वह प्रोजेक्ट अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता। अगर दोस्तों मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में है जिसमें अगर आप 30 से 35 लाख रुपए से निवेश कर सकते हैं और इतने ही निवेश से आपको 20,000 रुपए तक महीने की आय किराए के रूप में मिल सकती है तो शायद आपको भरोसा ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि 80-85 लाख रुपए लगाकर जब आप 3 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदते हैं तब 15-16 हज़ार रुपये किराया मिलता है। किंतु मैं ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं जो मेट्रो स्टेशन के सामने है और उस प्रोजेक्ट का उस ओसी भी आ चुका है और साथ में उसमें शोरूम भी खुल चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के निवेश में रिस्क कम है। मैं बात कर रहा हूं कावेरी सिटी सेंटर की जो डेल्टा वन मेट्रो स्टेशन के सामने है और मेन रोड में स्थित है जहां पर आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। अगर हम रोड से बाहरी लोगों के आने जाने की गिनती छोड़ भी दें तो आसपास 10,000 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहते हैं और उनके अनुपात में मार्केट यहाँ कम है, इसलिए उनकी खरीदारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कावेरी सिटी सेंटर का मार्केट पूरी तरह से तैयार है। ग्रेटर नोएडा का पहला फर्स्ट क्राई का शोरूम कावेरी सिटी सेंटर में खुल रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा मांग है। यह ब्रांड शिशुओं की देखभाल से संबंधित उच्च स्तरीय उत्पादों के लिए जाना जाता है। केवल इस ब्रांड के कारण कावेरी सिटी सेंटर में बहुत अधिक फुटफॉल होगा। इसके अलावा डेकन एसी का शोरूम यहां खुल चुका है और बहुत सारे शोरूम खोलने की तैयारी चल रही है, तो आने वाले 4-5 महीने में आप देखेंगे कि कावेरी का रिटेल सफर रिटेल मार्केट होगा। कावेरी सिटी सेंटर के पहले 3 तलों में रिटेल मार्केट का निर्माण किया गया है और उसके ऊपर 2 तलों में होटल के लिए निर्माण किया गया है जिसमें सरोवर पोर्टिको होटल ने अनुबंध किया है जो कि यहां पर सरोवर पोर्टिको 3 सितारा होटल संचालित करेगा। होटल के ऊपरी तलों में स्टूडियो अपार्टमेंट्स का निर्माण किया गया है। सरोवर पोर्टिको सबसे ऊपर के 5 तलों में लग्जरी स्टूडियो अपार्टमेंट्स अपने मेहमानों के लिए तैयार करेगा जिसका अनुबंध हो चुका है। बाकी के तलों में हम इसे व्यक्तिगत निवेशकों को बेच रहे हैं। अब सवाल यह है कि निवेशकों को कावेरी के स्टूडियो अपार्टमेंट्स में निवेश क्यों करना चाहिए, यह कैसे उनके लिए लाभ का सौदा हो सकता है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स की ग्रेटर नोएडा में बहुत ज़्यादा मांग है और आने वाले समय में इसकी मांग बहुत अधिक बढ़ेगी क्योंकि ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क शिक्षा का केंद्र है जहां पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। उनके लिए स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा मांग है और अगर स्टूडियो अपार्टमेंट की लोकेशन मेट्रो के सामने हो, साथ में
कभी भी आने जाने की कोई पाबंदी ना हो तो ऐसे प्रोजेक्ट की मांग कई गुना बढ़ जाती है। और रियल इस्टेट में उसी निवेश में अधिक पैसा कमाया जा सकता है जिसकी डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो। आने वाले समय में स्टूडियो अपार्टमेंट्स के डिमांड में कई गुना बढ़ोतरी होगी। कावेरी सिटी सेंटर के स्टूडियो अपार्टमेंट्स को आप रेजिडेंशियल या ऑफिस स्पेस की तरह किराए में दे सकते हैं। आप इसमें अपना खुद का ओयो होटल भी संचालित कर सकते हैं या होटल के प्रयोग के लिए किराए में दे सकते हैं। कावेरी सिटी सेंटर में बहुत कम यूनिट्स अब सेल्स के लिए बची हुई हैं, इसलिए अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट्स में निवेश करना चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय हमेशा एक निवेशक के लिए फायदेमंद होता है। अधिक जानकारी या प्रोजेक्ट विजिट करने के लिए स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।